तो गाइस आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एंड गेमिंग में। और गाइस आज की वीडियो में मैं वो काम करने वाला हूँ जो मुझे पिछली वीडियो में ही कर लेना चाहिए था, वो है गाइस एंडर ड्रैगन का हेड लाना। हाँ गाइस एंडर ड्रैगन का हेड लाना था, वो इलाइट्रा शिप के बिल्कुल ऊपर गाइस सामने था, मैं भूल गया पिछली वीडियो में लाना, तो अभी लाने चलते हैं गाइस। तो गाइस सामान मेरे पास सब कुछ और चलते हैं। अरे मैं इधर से क्यों जा रहा हूँ, अब तो गाइस मेरे पास इलाइट्रा है और इलाइट्रा की वजह से तो गाइस बड़ी आसानी से जाएंगे हम। पहले पानी के अंदर जाते हैं अपने रिपटाइड के ट्राइडेंट के साथ, और यहाँ पे मछलियाँ पकड़ के रखी हैं मैंने, तो ऊपर और अब डबल जंप और चलते हैं गाइस अब जल्दी से। और सामने इस साइड है गाइस मेरा स्ट्रॉन्ग होल्ड जो बहुत पास है, और बस एक दो फायर वर्क लगेगा। और यहाँ पे ये बिल्कुल यहाँ है गाइस, ये इधर विलेज है ना जो ये रहा इसके सामने, यहाँ पे उतरते हैं बिल्कुल अच्छी तरह। और क्या लैंडिंग की गाइस मैंने, और नीचे चलते हैं विदाउट वाटर बकेट, वो इन्वेंटरी में मैंने रखी नहीं है, वो पीछे पड़ी होगी। और आ गए गाइस, और इधर ये मेरा बेड लगा हुआ है। तो गाइस अभी हम हेल्थ फुल कर लेते हैं, खाना फुल कर लेते हैं, और अब जंप मार के सीधा एंड में चलते हैं। और वो पता नहीं लास्ट टाइम गाइस, अरे हाँ यही गाइस पता नहीं क्या ये ग्लिच हो रहा है, पहले मेरा ऑब्सीडियन गायब होके ये आ गया था, अब मेरे ऑब्सीडियन वाला बेस वापस आ गया पता नहीं क्यों। तो अभी चलते हैं गाइस, और उधर ऊपर चढ़ के हम दूसरी साइड टेलीपोर्ट होते हैं। तो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं इस साइड, और गाइस इस साइड को मतलब ये सामने वाली साइड को मुझे जाना है, तो एक मिनट इधर जाना है नहीं इस साइड जाना है, हाँ तो इधर से चलते हैं गाइस इलाइट्रा के साथ। और हम गाइस आज तो बहुत ज़्यादा जल्दी पहुंच जाएंगे वहां पे, क्योंकि हमारे पास आज इलाइट्रा प्लस फायरवर्क्स है, तो मैं जल्दी पहुंचता हूं वहां पे और आपसे मिलता हूं। तो गाइस मैं अपनी एंड सिटी के काफ़ी आस पास हूँ, यहीं कहीं मुझे दिख जानी चाहिए अब कहीं। अरे वो हो रही, फाइनली ये मेरे को मेरी एंड शिप दिख गई, और इस एंड शिप के ऊपर सीधा लैंड करते हैं स्टाइल, अरे भाई स्टाइल से लैंड करना था, कहाँ लगा मैं। तो अभी ये रहा गाइस एंड ड्रैगन हेड जो मैं लास्ट टाइम भूल गया था लाना, तो अभी इसको लेते हैं जल्दी से गाइस, इधर से ये लो। अभी देखिए गाइस 5 मिनट के अंदर मैं गाइस यहाँ पे पहुँच गया इस एंड सिटी पे, लास्ट टाइम पूरी वीडियो इसी पे बनानी पड़ी थी, यहाँ तक पहुँचने में इतना टाइम लगा था। और अभी इसे तोड़ेंगे तो मिलेगा, नहीं इसे भी तोड़ना पड़ेगा। तो फाइनली मिल गया गाइस ड्रैगन हेड मिल गया गाइस। तो गाइस ये ड्रैगन हेड पे एंगल तो कुछ अच्छा मिल नहीं रहा है, मतलब देखने में अच्छा लग रहा है पर पूरा मतलब फेस अच्छी तरह दिख नहीं रहा, तो इतना ही दिख रहा है, पर मिल गया गाइस तो चलो अच्छा लग रहा है थोड़ा। और अभी मैं सोच रहा था गाइस कि क्यों ना अगर हम एंड में आए हैं तो एक दो एंड सिटी एक्सप्लोर करी जाए, काफ़ी टाइम हो गया गाइस कोई एंड सिटी नहीं मिली है। आप कोऑर्डिनेट्स देखिए मैंने कितनी दूर आ गया हूँ, कुछ मिल जाए अगर एंड सिटी के नाम पर तो मज़ा आ जाए, प्लस अगर फ्री में एक और इलाइट्रा मिल गई गाइस। और एक एंड सिटी मिली मेरे को सामने, और ये भी गाइस मेरे लक की तरह बेकार एंड सिटी जिसमें इलाइट्रा नहीं मिलेगी। तो अभी हम प्रोटेक्शन 4+ हेलमेट पहनते हैं, ड्रैगन हेड उतारते हैं, और अभी जिन पे स्टेयर्स टाइप होता है गाइस उस पे लूट होती है, तो इनमें से किसी पे नहीं, अच्छा हमारे वाले इसी पे है, तो ये स्टेयर्स लगी हुई है मतलब इस पे लूट होगी गाइस। तो वो रही दो बुक्स नहीं चेस्ट, और इसमें क्या है, ओ भाई मेंडिंग अनब्रेकिंग 3 फायर एक्सपेक्ट नॉक बैक मेंडिंग, तो ले लेते हैं अच्छा सामान है। ये डायमंड्स कितने मिले, काफ़ी डायमंड्स भी हैं, और इधर से ओ भाई और डायमंड्स तो आज भर भर के मिल गए, 12 डायमंड्स मिल गए। और आयरन में लूँ ना लूँ, लेना है क्या, ले लेते हैं चलो गाइस आयरन काम आ ही जाता है, और मैं इस एंड सिटी को एक्सप्लोर करके मिलता हूँ।
गाइस वो एंड सिटी तो बिल्कुल बेकार थी, वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला और लूट के मामले में। और अभी मैं कोई एंड सिटी या एग्ज़िट पॉइंट ढूंढ रहा हूँ, और ये लो एग्ज़िट पॉइंट का नाम लिया, एग्ज़िट पॉइंट आ गया। तो अभी एग्ज़िट पॉइंट मिला है तो हम अभी एग्ज़िट करते हैं गाइस यहाँ से वापस। और बेड रॉक तो टूटेगा नहीं टूटता तो अब चलते हैं गाइस एग्ज़िट करने, हम ओवरवर्ल्ड में चलते हैं गाइस। चेस्ट प्लेट पहन लेते हैं, इधर ब्रिज टावर करते हैं ऊपर और ऊपर। और अब क्या है मेरे ऊपर, अच्छा एक और बेड रॉक है। तो अभी इसके सामने इधर ब्लॉक्स लगाता हूँ, लग गए। और इधर से अब हम चलते हैं वापस मेन आइलैंड पे एंड गए, और दो एंडर पर्ल बचे हैं अभी भी। और मैं आ गया मेन आइलैंड पे। ओके तो अभी चलते हैं वहाँ पे अपने एंड पोर्टल पे, पर नहीं थोड़ा सा स्टाइल से जाएंगे गाइस, वॉइड से कूद कर यहाँ से। तो चलते हैं गाइस इलाइट्रा के साथ और सीधा एंड पोर्टल के अंदर। नहीं जा पाया तो मैं यहाँ से चलता हूँ इसके अंदर। अब एक मिनट, हेल्थ फुल करके जंप मारते हैं और अभी चलते हैं गाइस। और अरे ये तो मेरा लास्ट रिस्पॉन पॉइंट, अच्छा इधर था ये टावर पे मेरे। कोई नहीं तो नीचे उतरते हैं गाइस, लाइट पहनी हुई है। और अभी नीचे आराम से उतरते हैं, कुछ ज़्यादा स्पीड हो गई गाइस और मैं मरूँ ना, और जो सोचा था वही हुआ, मेरा टोटम एक्टिवेट हो गया, मैं मर गया मतलब एक बार। चलो टोटम ऑफ अनडाइंग ने हमें बचा लिया, और मेरे टोटम्स भी काफ़ी खर्च हो रहे हैं। तो गाइस मुझे एक रेड करवानी पड़ेगी ताकि मैं टोटम्स वगैरह और कलेक्ट कर लूँ। तो अभी नीचे चलते हैं। तो गाइस अभी मैं वीडियो एंड करने वाला था, और मतलब मैंने वीडियो एंड कर दी थी पिछली जो अभी रिकॉर्ड करके। और अभी मैं गाइस जैसा आपको बताया था कि मैं वो टोटम्स के लिए वो विलेज रेड करवाना पड़ेगा, तो मैं वही करवाने के लिए गाइस निकला था। और मैंने ये बैड ओमैन इफेक्ट लिया, और गाइस ये थंडर स्टॉर्म आ गई है कहीं से, और मैं बिल्कुल अच्छी लोकेशन पे हूँ, यहाँ पे काफ़ी मॉब स्पॉन होते हैं और मेरे पास ट्राइडेंट है। तो गाइस अभी हम मॉब हेड्स लेने की कोशिश करेंगे, और देख सकते हो गाइस मेरा ट्राइडेंट कितना ख़तरनाक है, ये थंडर मार रहा है इतने ज़्यादा। तो गाइस अभी हम क्रीपर ढूँढेंगे, उनको हम ब्लास्ट मतलब वो चार्ज्ड क्रीपर बनाएंगे और फिर उन्हें ब्लास्ट करके मॉब हेड्स लेंगे। तो करते हैं गाइस अभी वही काम। तो गाइस मैं काफ़ी ज़्यादा देर से इधर घूम रहा हूँ, और मैंने काफ़ी सारे क्रीपर्स गाइस मतलब इससे मैंने अपने ट्राइडेंट से मारे। तो गाइस क्रीपर्स ये मतलब मर ही जा रहे हैं वन शॉट में, कोई ज़िंदा बच ही नहीं रहा है। तो ये तो बहुत गलत काम हो गया, मैंने सोचा था आज मॉब हेड्स कलेक्ट करूँगा, पर गाइस ये देखिए ये स्पाइडर भी बच जाएगी गाइस मेरे, उससे मारा ही नहीं मैंने। चलो तो गाइस कोई क्रीपर बच ही नहीं रहा है, जबकि क्रीपर की भी 20 हेल्थ है, वो एक जॉम्बी की भी 20 हेल्थ है, और अभी तो बारिश भी नहीं हो रही, पता नहीं क्यों। गाइस अभी देखते हैं क्या होगा। तो गाइस मेरे पास एक आइडिया है, मेरी एंडर चेस्ट कहाँ है ये री। तो अभी एंडर चेस्ट रखते हैं इसमें ये वाला, अरे ये कोई और शल्कर बॉक्स है, जगह स्विच हो गई शल्कर बॉक्स की, किधर है ये रहा, ये विच क्राफ्ट V2 गाइस, ये मेरा शल्कर बॉक्स है जिसमें कोई पोशन है काम का। अरे ये रीजनरेशन का पोशन शायद क्रीपर के काम आ जाए। क्रीपर कहाँ है, क्रीपर, ओ भाई क्रीपर ही गायब हो गया, मैंने इधर क्रीपर देखा था एक, ओ ये रहा मेरे पीछे है गाइस, ठीक पीछे। तो गाइस अगर मैं इस क्रीपर को रीजनरेशन का पोशन मारता हूँ और इसके बाद, अरे यार ये फूट ही गया यार, अब क्या करूं मैं। गाइस मैंने किसी तरह का बना लिया अब एक क्रीपर चार्ज्ड, ये वाला नहीं, वो देखिए वो रहा सामने। गाइस बड़ी मुश्किल हुई थी पर मैंने फाइनली एक चार्ज्ड क्रीपर बना लिया। और भी कहीं पे कोई, अरे ये थंडर मेरे बिल्कुल सामने, यहाँ पे कहीं कोई मॉब है जिसका हेड, अरे यार ये जॉम्बी कहाँ से आ गया, ये जॉम्बी का हेड मेरे पास पहले से, मुझे क्रीपर और स्केलेटन चाहिए अगर कहीं हो। यहाँ पे क्रीपर और स्केलेटन तो कोई है नहीं,
मतलब एक ही क्रीपर है जो चार्ज्ड है, जिसको मारूंगा, मतलब जो मरेगा पर हेड तो नहीं मिलेगा उसका। मुझे कोई और क्रीपर चाहिए होगा, कहीं पे अगर क्रीपर मिल जाए कोई। और गाइस काफ़ी मेहनत के बाद मैंने ये दोनों को इकट्ठा कर लिया है, और अब बस मेन काम ये है कि चार्ज्ड क्रीपर फूटे, ये वाला फालतू क्रीपर ना फूटे अभी। तो अब लास्ट, ओ ओ भाई मैं ज़्यादा पास करा था, मेरे टोटम यूज़ हो गया फिर से। मुझे विलेज पे अब रेड करवानी पड़ेगी जल्दी, मेरे टोटम्स कम हो रहे हैं। पर गाइस क्या ये वर्थ इट था? हाँ गाइस ये था, मुझे क्रीपर हेड प्लस जॉम्बी हेड दोनों मिल गए। ओ भाई मज़ा आ गया। तो जॉम्बी हेड मेरे पास एक पहले से भी था, पर चलो एक और मिल गया, अच्छा हुआ। और गाइस क्रीपर हेड, एक न्यू हेड मिल गया। अब बचा है स्केलेटन हेड, क्योंकि स्केलेटन गाइस तब स्पॉन ही नहीं हो रहे थे, और ये फालतू में। तो अभी चलते हैं गाइस आगे, मतलब अब क्या आगे जाना, अगर मैं और कोई क्रीपर कर पाया तो बताता हूँ गाइस। मुझे काफ़ी देर के बाद यहाँ पे इनसे लड़ते भिड़ते काफ़ी क्रीपर मार के अब समझ आया कि गाइस मान लो अगर अब ये दो क्रीपर है, मैं एक को मारता हूँ वो मर गया, और दूसरे वाला क्रीपर गाइस हमारा अब वो चार्ज्ड हो गया। तो अब मैं गाइस आराम से एक स्केलेटन ढूंढ के उसको मार के इसका हेड ले सकता हूँ, इसको मार के उसका हेड। तो गाइस मैंने एक स्केलेटन का जुगाड़ तो कर लिया, बस अब इस स्केलेटन को मरवाना है इससे। और मैंने गाइस अपना तीसरा टोटम अब हाथ में ले लिया है, और अभी ना मैं मरूं बस। और गाइस सबसे गलत बात, जो मेरा बैडो मैन इफेक्ट था वो भी चला गया गाइस, तो दोबारा से बैडो मैन लेना पड़ेगा, और एक विलेज भी ढूंढना है, और अब क्रीपर। और भाई मरा ये, तो मुझे मॉब हेड मिला। कहाँ है भाई? ओ स्केलेटन का मॉब हेड पर स्टोरेज आ गया, इन्वेंट्रिया में आ गया। और अभी थोड़ी सी दूर चलते हैं इस जगह से गाइस। वाह क्या दूर गया ऊपर। और अभी इलाइट्रा एक्टिवेट ही नहीं हुई मेरी। ओ भाई इधर से जंप मारो, और वहाँ पे गाइस मुझे शायद से विलेज दिखा था उस साइड, और ये ट्राइडेंट वाला, ये फ्री में ट्राइडेंट देगा मुझे। ओ भाई ट्राइडेंट दे भी दिया इसने, मुझे चाहिए भी नहीं था। गन पाउडर फेंक के उठाओ, अब चाहे गन पाउडर इम्पोर्टेंट है पर ट्राइडेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और गाइस मुझे विलेज भी मिल गया एक, ओ यस। पर गाइस उससे भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे गाइस मुझे ये देखिए, ये तीन मॉब हेड मिल गए गाइस, स्केलेटन जॉम्बी एंड क्रीपर। ओ भाई मज़ा आ गया गाइस, आज ये तीनों के हेड मैंने कलेक्ट कर लिए। और अब बाकी तो कुछ नहीं गाइस, आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई होगी आई थिंक। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना काफ़ी है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।